जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर, वो 8 आवर फिल करता है, और पाइप बी जो है 12 आवर फिल करता है। यानी ए लिया मैंने तो ये मेरे पास 8 आवर होगा, ये बी मेरे पास में 12 आवर होगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 48, 48। यानी कि ये कितना लीटर फिल करेगा, 6 लीटर, और ये कितना फिल करेगा, 4 लीटर। अब इसमें कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, 7 बजे और 9 बजे। कहता है कि 7 बजे जो है ना पाइप जो है ना वो ए खुला है ए एम पे, और 9 बजे जो है ना वो पाइप बी खुला है ए एम पे। और वो कहता है कि भाई इस टैंक को ना पूरा फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो चेक करते हैं जरा एक बस को। तो देखिए ये मेरे पास पाइप ए खुला तो इसने कितने काम किया होगा, अकेले 2 घंटे तो पहले काम कर लिया होगा इसने पाइप बी के खुलने से पहले। तो 2 घंटे में कितना लीटर भरेगा, ये 12 लीटर। तो मैंने इसमें 12 लीटर माइनस कर दिया तो कितना रिमेनिंग पार्ट बच रहा, 36 लीटर मेरा भरना बाकी बचा। अब इसने पाइप ये मेरा बी भी खुल गया तो ये दोनों मिलके कितना करते हैं, 1 घंटे में 10 यूनिट। तो इसे अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 18/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3/5 आवर, सॉरी 5 15 3 3/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मिनट में चेंज करने के लिए तो ये 3 घंटे कितना हो जाएगा, 36 मिनट। ये जो टाइम आया वो टाइम आया कि जो रिमेनिंग जो पार्ट बचा है, मतलब एक ही करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, दोनों ने साथ में 3 घंटे 36 मिनट में ये पूरा पूरा फिल कर दिया है। अब देखिए अगर मैं पूरा देखूँ तो पूरा फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स में जो एक्स्ट्रा उसने लिए थे उसे जोड़ दूंगा तो पूरा टाइम फिल होने मेरे को लगा 5 घंटे 36 मिनट, ये मुझे लगा। बट एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि वो एट व्हाट टाइम फिल हुआ है। अगर मैं इसका पूरा लूँ यानी कि 5 घंटे लूँ तो मुझे कहाँ जोड़ना पड़ेगा, 7 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 घंटे इसने काम किया, फिर इसके बाद में यहाँ पर मुझे 3 घंटे 36 मिनट लगे, तो 7 में जोड़ना पड़ेगा मुझे 5 घंटे 36 मिनट। और अगर मैं 9 में ऐड करूँगा तो मुझे पता है कि इस यहाँ पर ये पाइप जो है मेरा बी खुल गया था तो उसने इतना ही तो काम किया इन दोनों ने, तो इसका मतलब है उनको 3 घंटे 36 मिनट। तो आप इसमें जोड़ेंगे 3 घंटे 36 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 12:36 PM। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।